तो पिछले चंद दिनों से बिहार चर्चा में है, पहले राजनीतिक बदलाव के कारण, फिर नीतीश सरकार के मंत्रियों के कारण और अब अपराध के कारण। नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस शख्स पर नीतीश सरकार ने कभी घोटाले का केस दर्ज कराया था, वही शख्स आज नीतीश के साथ सरकार में क्यों और कैसे शामिल है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। आज पटना में सेना के एक जवान को गोली मार दी गई, एक लड़की को गोली मार दी गई। इन घटनाओं के बीच बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर चावल घोटाले के आरोपी कृषि मंत्री कैसे बने, कैसे कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री बन गए, क्यों गठबंधन बदलते ही बिहार में अपराध की खबरें सुर्खियां बनने लगी। हम नीतीश राज को जंगल राज नहीं कहेंगे, लेकिन ये सच तो जरूर कहेंगे कि जिस सुशासन को नीतीश अपना मॉडल बताते थे, आज वो सवालों में है और नीतीश कुमार चुप। नीतीश सरकार की डबल मुसीबत, क्राइम और भ्रष्टाचार पर फंसी है। बिहार में सुशासन बाबू के आठवीं बार सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही नई बयार है, मुसीबतों का पहाड़ है। एक के बाद एक नीतीश के मंत्री आरोप के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ते क्राइम की वजह से कानून व्यवस्था कटघरे में है। सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली कैमरे में कैद ये लेटेस्ट तस्वीर राजधानी पटना से आई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक लड़की जा रही है, इसी दौरान सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स आता है, लड़की का पीछा करता है, थोड़ी देर बाद पीछे से गोली मार देता है और फिर फरार हो जाता है। अहले सुबह 7:30 बजे एक लड़की कोचिंग जा रही थी और यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से देखने को मिला है, उसमें साफ दिख रहा है कि वो छात्रा यहीं पहुँचती है और यहाँ पहले से घात लगाकर एक अपराधी यहाँ मौजूद रहता है और उसके सर में गोली मार देता है। बिहार में क्राइम की हर एक तस्वीर नई सरकार पर सवाल उठा रही है। हर एक तस्वीर विपक्ष को ये सवाल उठाने का मौका दे रही है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट रहा है। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, ये बिहार की जनता आवाज उठाना शुरू कर दी है और आज गलियारे में लोग वहां से फिर से ये जो रिटर्न हुआ है, फिर से जो जंगल राज का रिटर्न, रोज हत्याएं हो रही। क्राइम की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, पटना से गोपालगंज तक सुशासन को धता पताने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोपालगंज में बैंक के अंदर घुसकर बदमाशों ने बंदूक के दम पर 5 लाख रुपए लूट लिए। सवाल कई है, लेकिन सॉलिड जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिन्होंने शपथ ली है, कानून को उनकी ही तलाश है। खैर, नीतीश के कानून मंत्री पर कानून के उल्लंघन के आरोप अभी ठंडे भी नहीं हुए हैं कि नीतीश के कृषि मंत्री पर चावल घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बिहार में साल 2013-14 के बीच चावल घोटाला हुआ था। आरोप है सुधाकर सिंह ने चावल जमा नहीं कराया और करोड़ों का घपला कर दिया। हालांकि कृषि मंत्री आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। हमारे खिलाफ भी तो आरोप है। आरोप लगाने वाले कोई व्यक्ति नहीं, सरकार है मेरे पर आरोप लगाने वाली। तब हम विपक्ष में हुआ करते थे, सरकारों को चलाने का अपने तरीका है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, उसी तरह से चलता रहता है अपने विपक्षियों को तंग तबाह करने के लिए। अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी नीतीश सरकार की मुसीबत पड़ी है। मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं, दूसरी ओर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तमाम हलचलों के बीच सियासी विरोधी हमलावर हैं। तो बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के एक हफ्ता अभी हुआ है। इन एक हफ्ते में नीतीश तेजस्वी सरकार कानून व्यवस्था और अपने मंत्रियों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश सरकार में 75% मंत्री दागी हैं। सरकार के 29 में से 22 मंत्रियों पर गंभीर केस हैं। हम आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले चंद घंटों में नीतीश सरकार के 3 मंत्री विवादों में आए हैं। मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है, मंत्री कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का केस है, मंत्री चंद्रशेखर यादव कारतूस के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए थे, ये भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है।
यहां आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का केस, जो केस था वो नीतीश सरकार ने ही दर्ज कराया था और आज वही सुधाकर सिंह नीतीश सरकार में ही मंत्री हैं। ये राजनीति है जहां आज जो घोटाले का आरोपी होता है कल वो साथी हो जाता है। तो बिहार के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि सुधाकर सिंह का नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन आखिरी समय में उनके पिता जगदानंद सिंह ने सौदेबाजी की और सुधाकर सिंह मंत्री बने, यह आरोप है विपक्ष का। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जगदानंद सिंह 2019 से ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। यहां हम आपको उस चावल घोटाले की कहानी भी बता दें जिसका आरोप सुधाकर सिंह पर लगा है। सुधाकर सिंह पर वर्ष 2013 में एसएफसी के करोड़ों रुपए के चावल के गबन का आरोप है। इसे लेकर रामगढ़ थाने में केस भी दर्ज हुआ था। सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में दर्ज केस का नंबर 184/13 है। सुधाकर सिंह ने राइस मिलिंग के लिए दो मिल रजिस्टर्ड कराई थी। सुधाकर सिंह की रजिस्टर्ड राइस मिल का नाम सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल था। एसएफसी जो कैमूर के दस्तावेज हैं उनके मुताबिक सुधाकर राइस मिल पर 365 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया था। इसकी कीमत 69,52,133 रुपए थी। सुधाकर राइस मिल से एसएफसी ने 10,50,000 रुपए की रिकवरी की थी। सुधाकर राइस मिल पर 59,02,133 रुपए का सरकार पर बकाया रहा। सुधाकर सिंह की दूसरी राइस मिल सोन वैली को 2,424 मीट्रिक टन सीएमआर लौटाना था। इसकी कीमत 4,61,49,132 रुपए थी। प्रशासन ने इसमें से 50,50,000 रुपए ही रिकवर किए, यानी सुधाकर सिंह के सोन वैली राइस मिल पर 4,10,99,132 रुपए बकाया है। यानी सीधे शब्दों में समझें तो सुधाकर सिंह ने बिहार के स्टेट फूड कॉरपोरेशन के राइस मिल का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन चावल खुद रख लिए और एसएफसी के गोदामों में नहीं पहुंचाए। घोटाले की रकम करीब 5 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार ने तब इस धांधली के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए केस भी दर्ज कराया था। लेकिन आज विडंबना देखिए कि धांधली का आरोपी उसी नीतीश कुमार के साथ अब बैठकों में है वो, जिन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कराए थे। तो शुचिता के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार निशाने पर है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंसक अपराध के मामले में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्य भी सुर्खियों में रहते हैं। आपको साल 2020 के एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दिखा देते हैं। आपको बताते हैं कि किस राज्य में हिंसक अपराध के कितने केस सामने आए। यूपी में हिंसक अपराध के 51,983 मामले सामने आए हैं। बिहार में हिंसक अपराध के 51,116 मामले अब तक सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 50,029 है, जबकि महाराष्ट्र में हिंसक अपराध के 39,162 मामले सामने आए हैं। असम में हिंसक अपराध के 25,629 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में किडनैपिंग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे संगीन जुर्म हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के मुकाबले 2020 में क्राइम रेट में 28% का इजाफा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में हर रोज देश में औसतन 80 मर्डर हुए। बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले भी होती रही हैं। पुलिस पहले भी इन घटनाओं पर कार्रवाई करती रही है। चूंकि आजकल बिहार सुर्खियों में है इसलिए बिहार में अपराध भी सुर्खियों में है। नीतीश कुमार की पहचान सुशासन के लिए होती है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि नीतीश सरकार जल्द ही अपराधियों पर लगाम लगाएगी।